चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में सर्किट एनालिसिस क्या है। सर्किट के विषय में एक्चुअली पिछला वीडियो में हमने देखा था, लास्ट टॉपिक था सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर अचीव करना इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी खोज होगा, रूम टेम्परेचर पर, और चीप हो तब, सस्ता हो तब। क्योंकि इस स्थिति में होगा क्या कि हीटिंग वाला जो कंसेप्ट है वो हीटिंग वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा, डिवाइस गर्म नहीं होगा, केवल पावर पॉइंट पर जहां जहां कंजम्पशन है वहीं पर खर्च होगा, पाथ लॉस नहीं होगा, एफिशिएंसी 60 से 70% बढ़ जाएगा। तो लोग प्रयास कर रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी को रूम टेम्परेचर पर प्राप्त करने के लिए और चिप से चिप सुपर कंडक्टर बनाने का। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन क्या होगा कि आपका एनर्जी का काफ़ी सेविंग होगा, काफ़ी सेविंग होगा, ये संभव है, लोग प्रयासरत हैं। अब आते हैं हम लोग सर्किट एनालिसिस के विषय। अब सर्किट के विषय में जानकारी, सर्किट किसको कहते हैं, ईएमएफ किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, ओपन सर्किट किसको कहते हैं, क्लोज सर्किट किसको कहते हैं, शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं, इफिशियंसी सेल का क्या है, मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होगा सेल से, सीरीज कम्बिनेशन सेल का क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन सेल का क्या है, सारी चीजें आपके जो है जानकारी के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अब यहां पर हम आपको टॉपिक को सिंपल, मैंने ये एक टॉपिक बना दिया हम लोग, सिंपल टॉपिक इसको सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस ध्यान देना है, इसमें सिंपल सर्किट ले रहे हैं, थोड़ा समझने पर ध्यान दीजिएगा, हर छोटे छोटे बेसिक चीज को मैं एक्सपोज करेंगे। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बोल चुका हूं सिंबल के रूप में, सिंबल जो है ये क्या है, डीसी सोर्स का सिंबल है, ये डीसी सोर्स का सिंबल ऑफ ईएमएफ ऑफ डीसी सोर्स, सिंबल ऑफ ईएमएफ ऑफ डीसी सोर्स, सब चीज बताएंगे डीसी सोर्स का, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक सिंगल रूप में यूज हुआ था, इसको सेल कहते हैं, नंबर ऑफ सेल मेक्स ए बैटरी, अगर एक से अधिक सेल हुआ तो उसको बैटरी कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बैटरी ज्यादा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, करंट के डायरेक्शन के विषय में बता चुके हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा करंट, ठीक, ये बताए थे, ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये चीज चर्चा कर चुके थे बाबू का, और रेजिस्टेंस के लिए बॉक्स भी बनाता लोग, ये भी सिंबल है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, मोस्ट प्रोबेबली यही है यूज होता है। अब हम लोग देखें इसमें जो टर्म्स हैं, तो आप सेल को डिफाइन कर सकते हो कि सेल है कैसे, सेल क्या है, सेल क्या है, तो कह रहा सर इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू
कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आइए सेल से नहीं, हमको यहां हमें जानना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो मान लेते ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां के पोटेंशियल को भी ए मान लेते हैं, यहां के पोटेंशियल को भी बी मान लेते हैं, और इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी ए माइनस भी बी को भी मान लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली भी से हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए भी। आइए वोल्टा से, अब यहां क्या कह रहा है सर, पहला टर्म हम लोगों को दिखाना है, बताना है, समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इसको पीडी के रूप में भी पॉपुलरली जाना जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, तो कहता है इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। ये किसी क्लोज सर्किट के दो बिंदुओं के बीच हमेशा परिभाषित होता है। इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। ये हमेशा किसी क्लोज सर्किट सर्किट के दो बिंदुओं के बीच परिभाषित हो, और ये कुछ नहीं अब है क्या, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, इस पूरे सर्किट के दो कोई पॉइंट है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन होगा, तो सुना जाए इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट एंड इज नथिंग बट वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को भेजने में जितना सर्किट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजने में जितना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क डन जो है पोटेंशियल के रूप में डिफाइंड, पोटेंशियल के रूप में डिफाइंड है। ध्यान दिया जाए, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट। Between any two points of a closed circuit, सर्किट लिए बताए थे शॉर्टकट में CKT दिखाता है, ऐसे एब्रीवेशन इंटरनेशनल एब्रीवेशन। इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट and is nothing but bringing हो सकता है लाने के लिए, वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक। आपने क्या सुना, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज सर्किट एंड इज नथिंग बट वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक। थोड़ा देखा जाए इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देखा जाए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा जाए ध्यान दीजिए, इसको डिनोट किया था, कहता इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय भी मैथमेटिकली। सर्किट हम बना देते हैं आपके यहां, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा था, मैथमेटिकली भी इक्वल टू ये पॉइंट आपका ये था। अब एक चार्ज क्यू है, इसको भेजना है ए से बी, तो डब्ल्यू ए टू बी बाय क्यू है, डब्ल्यू ए टू बी वर्क डन इन सेंडिंग चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कहां से ए से बी भेज रहे हैं। ये एक्चुअली क्या हो गया, इस रेजिस्टेंस को संसार क्या कहता है, लोड रेजिस्टेंस। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम बैटरी यूज कर रहे हैं, ये बल्ब के रूप में, पंखा के रूप में, या कोई डिवाइस के रूप में हो सकता है, इसको लोड कहा जाता है, लोड रेजिस्टेंस। यानी आउटपुट हमारा इसी मिल रहा है, इसी के क्रॉस हम बताए थे ना, इस सारे सादा तार को आइडियल माना गया था, इस पूरे सादा तार का रेजिस्टेंस सबको सब कहां माना गया था, आर में, जो भी रेजिस्टेंस दिया उस सर्किट का रेजिस्टेंस, तो पूरा जो है इसमें माना गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, भी डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू, यानी कहां से भाई वर्क डन जो है वो आपका ए से बी ले जाने में चार्ज क्यू को, और सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, तो भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ध्यान दीजिए, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा सर्किट के किसी दो पॉइंट में डिफाइंड होगा, दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होगा, और उस दो पॉइंट के बीच किस रूप में वर्क डन का। अब फिर तुम सोचा जाए बाबू, इसमें देखे तो चार्ज को ए से बी तक भेजने में, चार्ज को ए से बी तक भेजने में जितना वर्क करना पड़ा, चार्ज को ए से बी तक भेजने में जितना वर्क करना पड़ा, मतलब इस सेगमेंट से जब चार्ज जाएगा वर्क डन किस किस रूप में होगा। अगर इसको बल्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, रेडियो के रूप में यूज कर रहे हैं साउंड के रूप में होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं हीटर के रूप में यूज कर रहे हैं हीट के रूप में होगा। तो चार्ज यहां से जाएगा, ये सेगमेंट उस चार्ज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरा कहना है यही लोड है, यही आउट, इसी के अलाउंग आप आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, इनपुट यहां से निकल रहा है, आउटपुट आप यहीं से ले रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, ये लोड सेगमेंट के अलाउंग ही आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के रूप में, वर्क डन किस रूप में होता है, तो जो डिवाइस लगाते हैं, पंखा चला रहे हैं सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप बल्ब जला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, रेडियो बजा रहे हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो हो गया लोड, कितना आप मिला आपको, वो हो गया लोड। अब देखा जाए थोड़ा सा सर्किट में चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सर्किट में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहां ध्यान देना है थोड़ा। ये अब एक नया सेगमेंट जुड़ा, ये आर हो गया, यहां तो आर के विषय में बता दिए, लोड रेजिस्टेंस है, और ये स्मॉल आर जो है ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ऑफ सेल जो आपने सेल यूज किया है। तो सेल के कहां इसको शो किया जाता है, तो सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके बगल में यूज किया जाता है सिंबॉलिक इंटरलेशन दिखाने के लिए। एक्चुअली है ये दोनों प्लस और माइनस, जैसे मान लीजिए सेल है ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके बीच का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन दिखाने के लिए यही फैशन यूज किया जाता है, निगेटिव टर्मिनल के बगल में छोटा सा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने देख लिया कि भाई क्या है, ए से बी तक चार्ज को भेजने में वर्क करना जो पड़ा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक, अब एक इसमें आता है टर्म ईएमएफ, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बट हियर देयर इज नो फोर्स, ये मिसनोमर है। ये जैसे आप क्या करते हैं, आप देखते हैं समाज में या कभी सुनते होंगे कि आंख का अंधा और उसकी मां क्या कर दी, नाम रख दी नयन सुख, आंख के अंधा का नाम नयन सुख, जो अंधा है वो क्या नयन सुख करेगा, उसी तरह से है, यहां कोई फोर्स नहीं है, ये गलत नाम पड़ गया, मिसनोमर, गलत नाम पड़ना को मिसनोमर कहा जाता है इंग्लिश में, कहे कि यहां फोर्स नहीं है। पहले लोग ऐसा विश्वास करता था कि बिना फोर्स के मोशन नहीं होगा, और यही कारण है कि यहां पर वो फोर्स यहां आ गया, यहां एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो बाउंड करता है चार्ज को मूव करने के लिए। हाँ, वो मैकेनिक्स वाला फोर्स जैसे ए बराबर एम ए वाला, यानी कंसेप्ट यहां है, इस शब्द के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है, डेफिनेशन जो इसका है उससे ये अलग है, नाम इसका क्वाइट डिफरेंट है, यहां फोर्स का कभी डेफिनेशन नहीं आता है, ये भी वर्क डन के टर्म में आता है, वर्क डन के टर्म में। समझिएगा, डे टू डे लाइफ में लोग ईएमएफ और पोटेंशियल को सेम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट होता है, दोनों का यूनिट वोल्ट। आप देख ले ध्यान से, इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, और जूल पर कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देख चुके हैं, जूल पर कूलम, वर्क डन के लिए जूल, और इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, और कूलम का क्या हो गया आई टी, एम एल टू टी माइनस थ्री और आई माइनस वन। अब देख चुके हैं ऑलरेडी वहां एम एल टू, एक मिनट, टी माइनस वन हो जाएगा, नहीं ठीक है, टी माइनस थ्री चूंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आई माइनस वन। अब देखिए ध्यान से, यहां कह रहा है इसका एसआई यूनिट वोल्ट जो और जूल कूलम है, डायमेंशन यहां। अब तनिका आइए ईएमएफ के विषय में,
ईएमएफ क्या है इसको समझना जरूरी है। थोड़ा सा अंतर है सर, ध्यान देना है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। इसके लिए सुटेबल सर्किट हमारा ये है। देखिए ईएमएफ किसको कहते हैं, एक्चुअली इसका फुल नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, बस हियर बट हियर देयर इज नो फोर्स, एब्रीविएशन ईएमएफ है। लेकिन इतना पॉपुलर हो गया है, इतना लोग सब समझा कि गलत नाम पड़ गया है, नाम बदला जाए, लेकिन इतना पॉपुलर नाम कि नाम चाह के भी लोग नहीं बदल पाया। आइए देखा जाए ध्यान से, ईएमएफ क्या है। अब यहां सुना जाए ईएमएफ के लिए, कह रहा है कि जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस में क्या देखा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ ए क्लोज सर्किट, वो सदैव किसी दो पॉइंट के बीच का डिफाइंड होता है। और ये व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द सर्किट, इट इज डिफाइंड फॉर द इंटायर सर्किट, इट इज डिफाइंड फॉर द इंटायर सर्किट, व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द सर्किट, कितनी भी शाखाएं क्यों ना हो, इंटायर शाखाओं से चार्ज को होते हुए बैटरी के अंदर और बैटरी के अंदर भी होते हुए जितना वर्क डन होता है उसको, इसे फिर से सुन लिया जाए, ईएमएफ इज डिफाइंड एज, ईएमएफ इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन, बट इन विच सेंस इट इज डिफरेंट, लिसन टू मी, EMF is defined as work done in sending a charge. EMF is defined as work done in sending a charge through the whole circuit, through the entire circuit, including cell. Including cell. बाबू देखेगा ध्यान से, यहां कह रहा सर EMF कैसे defined हुआ, ये सब तार ideal है, ये ए जो टर्मिनल है वो समझ लीजिए कि यहां पर ए लिखा हुआ है इसके पास बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास, ई जो बी लिखा हुआ है उसको बैटरी के नेगेटिव, आई रेजिस्टेंस तो बताया था ना कि अंदर का है लेकिन लिखने के लिए फैशन बाहर निकाला। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं सर, ईएमएफ किस रूप में डिफाइंड होगा, तो कह रहा है कि द वर्क डन इन सेंडिंग ए चार्ज थ्रू द होल सर्किट, होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल, इंक्लूडिंग सेल यानी जितने भी ब्रांच हो इस सर्किट में उस सारे ब्रांच से होकर के चार्ज को भेजने में और प्लस बैटरी के अंदर चार्ज को भेजने में, क्योंकि क्लोज सर्किट तभी ना होगा भाई, बैटरी के अंदर चार्ज को भेजने में जितना टोटल वर्क डन होता है वही टोटल वर्क डन क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे जब बैटरी यूज करते हैं, मोबाइल का हो कोई भी चीज का, रेडियो का हो, गर्म होता है कि नहीं होता है, इसलिए गर्म होता है कि बैटरी के अंदर भी करंट फ्लो करता है और वहां करंट कैरियर कौन है, आयन, और आयन की मोबिलिटी में जो वहां रेजिस्टेंस होगा तो हम अभी बताएंगे थोड़ा देर के बाद, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या है, सेल क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो पहले हम लोग केवल इंटरनल रेजिस्टेंस को मान लें कि भाई वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, पूरा डिटेल्स बताएंगे हम आपको। तो यहां क्या देखे, पूरे इंटायर सर्किट में चार्ज को भेजने में व्हाट एवर बी द ब्रांचेज, व्हाट एवर बी द नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द सर्किट, इंटायर सर्किट में चार्ज को भेजने में प्लस सेल के अंदर चार्ज को भेजने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है, कह रहा है का इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन सेंडिंग अ चार्ज थ्रू द होल सर्किट
होल सर्किट इंक्लूडिंग सेल कॉल्ड ईएमएफ, कॉल्ड ईएमएफ। ध्यान दीजिए, इट इज डिनोटेड बाई ई, इट इज डिनोटेड बाई ई मैथमेटिकली मैथमेटिकली ई इक्वल टू, अब आइए ध्यान दीजिए इसमें, ई इक्वल टू ए से बी तक डब्ल्यू ए टू बी, ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन एक्सटर्नल सर्किट में वर्क डन, प्लस बी टू ए, ये बी टू ए किसके लिए लिया गया, सेल के अंदर के लिए, आर डिवाइडेड बाय क्यू। आपने यहां क्या देखा, ये हो गया ए टू बी एक्सटर्नल वर्क डन, और बी टू ई जो है, बी टू ए जो है ना वो इंटरनल है, ये इंटरनल है, मतलब दिस वर्क डन इज वेस्टेड इन हीटिंग दिस सेल। ये आपका बर्बाद चला जाता है, तनिक फिर से समझेगा बाबू इसको, जैसे इसको स्प्लिट कर दे, स्प्लिट कर दे, यानी E इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू प्लस डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू, तो दिस पोर्शन ऑफ वर्क डन इज यूजफुल, ये यूजफुल है। आपका क्या हो रहा है, पंखा के रूप में, बल्ब के रूप में कंज्यूम हो रहा है। फिर सर्किट देखेंगे बाबू, यही लोड है, इसके अलोंग जो आपका वर्क डन हो रहा है वो क्या यूजफुल है, और ये वेस्ट चला जा रहा है, ये इंटरनल लॉस हो गया, ये वेस्ट चला गया। आप यहां देख रहे हो ई बराबर क्या होगा, भी प्लस डब्ल्यू बी टू ए, ये हो गया आउटपुट, आउटपुट हो गया, और ये हो गया वेस्ट, मतलब ये आपके लिए यूजफुल है, ये बर्बाद हो गया। क्या देखे आप, अब फिर से तनिक ध्यान लगाया जाए, एक्चुअली किसी बैटरी पर लिखा हुआ है 1.2 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उसका आउटपुट 1.2 वोल्ट कभी नहीं होगा, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है उसका 100% आउटपुट कभी नहीं होगा, आउटपुट 1.5 वोल्ट कभी नहीं होगा, हमेशा 1.5 वोल्ट, जनरली आपके सेल पर लिखा है तो 1.5 वोल्ट, हमेशा 1.2 देगा, 1.3 देगा, क्यों, क्योंकि सेल कुछ ना कुछ अपने से होकर के गुजरने में, जो करंट को होकर गुजरने में कुछ हिट पैदा करेगा, वो वेस्ट चला जाएगा, यही वेस्ट है आपका, ये फ्रूटफुल आपका, ये वेस्ट, यानी कि कभी भी आउटपुट वोल्टेज मार्क्ड वोल्टेज से हमेशा कम होगा, आउटपुट वोल्टेज मार्क्ड वोल्टेज से हमेशा क्या होगा, कम होगा, जितना मार्क्ड वोल्टेज होगा उससे आउटपुट वोल्टेज हमेशा हमेशा क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल लॉस होगा बैटरी के अंदर। तो मैकेनिक्स की भाषा को यूज करते हुए हमने यहां तक आया, अब ओम्स लॉ की भाषा को यूज करके हम
आते हैं सर पोटेंशियल के पास, और फिर किसके पास आते हैं? ईएमएफ के पास। यहां तक देखिए, और ये भी कह सकते हैं यहां कि क्लोज सर्किट, कोई भी क्लोज सर्किट में, इसको क्लोज सर्किट कहेंगे, ब्रोकन ब्रोकन नहीं सर। तो क्लोज सर्किट में क्या होगा, ये जो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये ईएमएफ हो गया, इंटरनल लॉस हो गया, तो ईएमएफ हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। देख लिए, इन क्लोज सर्किट, इन क्लोज सर्किट ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन पीडी होगा, क्योंकि आउटपुट 100% कभी नहीं हो सकता है। थोड़ा ओम्स लॉ की भाषा के माध्यम से हम आए, ओम्स लॉ की भाषा के माध्यम से तो देखें हम लोग ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को, एक दूसरे के रिलेशन को। फिर से देखते हैं सर्किट, हमने देखा ये लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये करंट आई जा रहा है, ठीक। यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहां आपने क्या देखा, वी इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी बाई क्यू। आइए ओम्स लॉ लगाइए, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी बराबर आई आर। तो जीवन भर बाबू को इसमें याद रखना है, यहां पर ध्यान रखना है कि आई आर क्या है, वर्क डन है पर यूनिट चार्ज, आई आर क्या है, कंज्यूम्शन है, इस सेगमेंट में कितना बिजली खर्च हुआ उसका हिसाब है आई आर, आई आर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आपने देख लिया भी बराबर क्या हो गया, आई आर। यही क्या है सर, आउटपुट वोल्टेज कहिए, सेंस विशेष में आउटपुट वोल्टेज कहिए बाबू का। ईएमएफ के लिए क्या होगा बाबू का, अब तक ध्यान दिया जाए, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखिए तो करंट तो सभी जगह, ये करंट आई ही तो पूरे सर्किट में जा रहे, तो साधारण पड़े होंगे कि जब सर्किट में करंट सेम हो, एक ही करंट सभी सेगमेंट से होके जा रहा है, एक ही करंट सभी सेगमेंट से होके जा रहा है, तो सीरीज में होगा, सीरीज में होगा। तो बाबू क्या देखा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ दिस सर्किट, ये आर प्लस क्या हो गया, आर हो गया। आइए अब हम लोग आते हैं उधर से, वर्क डन साइड से, आपका क्या ए टू बी, ए टू बी बाय क्यू प्लस डब्ल्यू बी टू ए बाय क्यू। आइए ए टू बी हो गया ये, अब बी टू ए बताया था ना ये सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वाला, अब ये क्या होगा बाबू का, आई आर प्लस आई आर, ये हो गया आउटपुट वोल्टेज, इंटरनल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हो गया, इंटरनल ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल। अब समझ में आ गया ना, ई बराबर क्या होगा, वी प्लस क्या हो गया, आई आर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो जब भी हम लोग किसी सेल को सर्किट में यूज करेंगे, यूज करेंगे, स्वाभाविक है ये हो गया मार्क्ड वोल्टेज, मार्क्ड E क्या हो गया, दिमाग में रखिए, ये हो गया मार्क्ड वोल्टेज, मार्क वोल्टेज कितना लिखा हुआ, ये मार्क्ड वोल्टेज हो गया,
ये है ईएमएफ आपका, और ये हो गया यूजफुल वोल्टेज जो आपको मिला यूज करने के लिए, वो हो गया ये यूजफुल वोल्टेज। तो क्या देखा कि ये जो आपका यूजफुल वोल्टेज है हमेशा इतना से कम होगा, जितना बैटरी खा जाएगा उतना घटा देना होगा। आपने देखा कि इसमें ईएमएफ जो है हमेशा ग्रेटर देन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कब? क्लोज सर्किट में, जब यूज कर रहे हैं, क्लोज सर्किट जब यूज कर रहे हैं, ठीक। अब सर्किट में आप लोग का एक फैशन भी है की लगाने का, अगर की लगा दिए तो सर्किट क्लोज हो, यूज हो रहा है, और की हटा दिए तो करंट जीरो हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो जब आई जीरो हो जाएगा ये हो गया क्लोज सर्किट, और फिर कह रहा है का इफ आई इक्वल टू जीरो, इसको संसार क्या बोलता है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट बोलता है। तो ई बराबर क्या हो गया, भी ईएमएफ किसके बराबर हो गया, जब यूज नहीं कर रहे हैं तो ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, जब यूज नहीं कर रहे हैं। यूज कर रहे हैं हमेशा, यूज कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। समझ में आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ जब यूज कर रहे हैं। आइए ध्यान दीजिए इसमें क्या करना है, यहां तक तो देख लिए, अभी आपको बताया कि जब सर्किट क्लोज था, व्हेन सर्किट बिकम्स क्लोज, तो आउटपुट वोल्टेज भी बराबर ई माइनस आर। क्लोज का मतलब जब यूज कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं, यानी बाबू इसको क्या समझ रहा है, जब डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब डिस्चार्ज कर रहे हैं मतलब बैटरी से हम एनर्जी विथड्रॉ कर रहे हैं, तब होगा ये। बस समझ जाएंगे, जब बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, बल्ब लगा देंगे तो बैटरी डिस्चार्जन होगा भाई, उस केस में एक्सप्रेशन ये होगा। ध्यान दीजिएगा, जब बैटरी को चार्ज करते हैं बाहर से एजेंसी के माध्यम से, बाहरी एजेंसी के माध्यम से, बैटरी जब चार्ज करते हैं उस केस में, व्हेन बैटरी गेट्स चार्ज बाय द एजेंसी, तो भी इक्वल टू ई प्लस आई आर, यह है चार्जिंग एजेंसी के द्वारा PD applied by charging agency, charging agency के केस में EMF से हमेशा जब बैटरी चार्ज करते हैं तो जितना बैटरी का है उससे ज्यादा हम लगाते हैं, तो V बराबर क्या होगा, E plus IR। आइए ध्यान दीजिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब सर्किट में हम लोग अगर नेट करंट निकालें, एक इक्वेशन आया आपका ई बराबर आर प्लस आर, तो आई बराबर क्या होगा, ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट,
कि टोटल टोटल करंट सर्किट का है, टोटल करंट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ध्यान दीजिए। अब हम लोग आते हैं छोटा छोटा चीज जानकारी हम लोग लिए, ईएमएफ किसको कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, इतना तो जान गए। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है, और ईएमएफ हमेशा इंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल, व्हाट एवर बी द ब्रांचेज ऑफ द सर्किट, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटायर सर्किट इंक्लूडिंग सेल, दैट इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, बट व्हेन बैटरी गेट्स चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंसी देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द एजेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द गैस सेल। आपका बता दिया कि जब बाहरी एजेंसी चार्ज करेगा ये, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा ये होगा, ठीक। तो सिंपल जानकारी आपको हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में, आप इतना तो समझ गए होंगे कि दोनों में अंतर है, दोनों में एक चीज कभी नहीं। अब आते हैं आपको कुछ वर्ड जो यूज हो रहा है पॉपुलरली उसके विषय में बताने का। यानी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सर्किट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सर्किट, क्या भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? पहला है सर ओपन सर्किट, इसका मतलब क्या समझे? सर्किट ओपन का मतलब एक ही मंत्र है सर, करंट जीरो, डिस्कनेक्ट है कहीं ना कहीं सर्किट, तार कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं प्लग है उसको रिमूव किया हुआ है, तो आई जीरो हो जाएगा सर्किट। आप देख लीजिए छोटा सा सर्किट बना करके, ये आर आर ईएमएफ यहां ई, करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो आप क्या देख रहे हो, आपको क्या बोले ओपन सर्किट, इसकी पहचान है आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो, करंट हमेशा जीरो होगा ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट में करंट जीरो होगा, तो अभी अभी क्वेश्चन लिखे थे आप एक ठो ई बराबर भी प्लस आई आर, आई जब जीरो होगा ई बराबर भी, हमेशा दिमाग में रखना है इन एन ओपन सर्किट ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। और करंट हमेशा क्या होगा ओपन सर्किट में, करंट हमेशा जीरो होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा चीज। इसके बाद है क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में करंट कभी जीरो नहीं होगा, सर्किट क्लोज करंट कभी जीरो नहीं होगा। क्लोज सर्किट आई नेवर बी इक्वल टू जीरो, जब आई जीरो नहीं होगा भी प्लस आई आर, इन दिस केस भी अलवेज लेस देन ई, यानी ई अलवेज ग्रेटर देन भी। क्लोज सर्किट में ईएमएफ हमेशा
बड़ा होगा, स्वाभाविक है, वो तो मार्क्ड वोल्टेज है, अंकित वोल्टेज है, लिखा हुआ वोल्टेज है, इतना है। लेकिन जैसे यूज करने लगेंगे, आउटपुट वोल्टेज जो होगा लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसी को आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, वो हमेशा कम होगा मार्क्ड वोल्टेज से, यानी ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि बैटरी कुछ ना कुछ खाएगा ही, कुछ ना कुछ वेस्ट करेगा ही, क्योंकि बैटरी चार्ज, बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसमें आयन का मोमेंट है, आयन की मोबिलिटी कम होती है, रेजिस्टेंस वहाँ बैटरी का होता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है पैसेज को आयन के, और उस केस में हीट पैदा होता है, वेस्ट चला जाता है एनर्जी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट सर्किट। जनरली देखते हैं आग उग लग जाता है, बहुत जगह आप देखे होंगे आग लगता है, किसी होटल में आग लग जाता है, हॉस्पिटल में आग लग जाता है, किसी फैक्ट्री में आग लग जाता है, तो यूज किया जाता है शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। अब तुम देखा जाए ध्यान से, तुम समझने की कोशिश की है शॉर्ट सर्किट का मतलब, जैसे आप कोई बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं तो प्लग तो रखते हैं ना, तो पंखा जब हम आप क्या करते हैं सॉकेट में प्लग लगाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ये जो पंखा के अंदर क्वाइल बना हुआ है, बल्ब टेबल लैंप आप रखें तो क्वाइल टेबल लैंप के अंदर जो टेबल लंब लैंप के अंदर जो क्वाइल बना हुआ है वहां तो ये ठंडा गर्म सटता है ना भाई, वहां तो ठंडा गर्म सटता है। आप जब से लगाए ये सर्किट क्लोज है, यहां तो सटेगा ना, यहां से तार आया, आप लगाए बल्ब सर, अब ये क्या सॉकेट में लगा दिए जा करके, तो ये प्लस है माइनस है, यहां तो सट गया तार ना, तार सटा, यहां बल्ब जल गया। अब देखिए क्या है, एक साधारण, ये सब कीजिएगा मत, एक साधारण वायर ले लीजिए, कॉपर का तार ले लीजिए, सिंपल तार, सिंपल तार, और उस तार को क्या कीजिए, आप कीजिएगा मत, आप उस तार को लेकर के और उसको मोड़ दीजिए, आप प्लस माइनस ऐसे घुसा दीजिए, क्या देखेंगे, कहीं ना कहीं सर्किट शॉर्ट सर्किट मैंने आग लग जाएगा सर्किट में, या आपका जो फ्यूज है वो उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, उड़ जाना मतलब उड़ जाना, मेल्ट कर जाता है, फ्यूज मेल्ट कर जाता है, फ्यूज इसीलिए बनाया गया है लो मेल्टिंग पॉइंट का है, वहां पर क्या होता है, जैसे हमारा क्या होगा कि यहां सटाए, वो क्या करता है सर, मेल्ट करके सर्किट को ओपन कर देता है, करंट को बंद कर देता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं सर, तो कोई क्वेश्चन कर सकता है कि बल्ब के अंदर भी प्लस माइनस सटता है, पंखा के अंदर भी, जितने भी डिवाइस हैं सबके अंदर प्लस माइनस सटता है, वहां तो कोई शॉर्ट नहीं लगता, लेकिन जब एक सिंपल तार ले लें और उसको हम प्लग इन कर दें, सिंपल तार लेके प्लग इन कर दें तो शॉर्ट लग जाता है कहीं, या तो स्विच खराब हो जाएगा या फ्यूज उड़ जाएगा, ऐसा क्यों होता है, यहां ध्यान देना है कि जैसे आपको एनर्जी जो मिल रहा है सोर्स से, तो बल्ब क्या है, एक कंज्यूमर है, कंज्यूमशन पॉइंट है, पंखा कंज्यूमशन पॉइंट है, तो जैसे ही आप प्लग दिए तो उधर से दौड़ के इलेक्ट्रॉन आया, एनर्जी लेकर के भर के आया आपने, और आप उसको क्या किए, उसका एनर्जी चूस करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बल्ब जला लिए, तो बल्ब एक डिवाइस है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, पंखा मैकेनिकल एनर्जी में, वेस्ट करने के लिए हीट एनर्जी में, तो वो एनर्जी को यूज कर लिया आपने, उसको क्या किया, एब्जॉर्ब करके फेंक दिया, और सदा तार कोई डिवाइस नहीं है, तो एनर्जी तो चला, उसमें यूज नहीं हुआ, रिवर्स एनर्जी जो गया, तो यदि तार तो पूरा वो क्या हो गया, एनर्जी आपका जो है वो रिवर्स जब वायर में जोड़ेगा जो वायरिंग का है, तो जहां आपका इंसुलेशन कमजोर होगा, हीट होगा इंसुलेशन, जहां पर रबर का या प्लास्टिक का इंसुलेशन कमजोर होगा वहां पिघलेगा और दोनों तार सट जाएगा, और पूरा का जो बल्ब जला रहा था, आपका एसी चला रहा था, वो सब एनर्जी क्या हुआ, उस तार में रह गया, तो क्या होगा सर, हीट इतना पैदा होगा
आग लग जाएगा। अगर आप अंडर वायरिंग किए हुए हैं और खूब बढ़िया लकड़ी से कार्विंग वर्विंग किए हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपके बॉडी को आपके घर को जलाने के लिए वो फ्यूल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आग पकड़ेगा, जितना पेंट कीजिएगा, पेंट भी हाईली इन्फ्लेमेबल है, स्प्रिट उस्प्रिट लगवा करके अगर डेकोरेट कराएं, स्प्रिट भी हाईली खूब बढ़िया से जलेगा और वो पूरा वार्ड्रो ताड्रो सब आपका क्या करेगा सर, जला देगा। और फिर अगर सो रहे होंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं हार्म करेगा सर। इसलिए ध्यान रखें कि आप सर्किट को हमेशा एक बेटर इलेक्ट्रिशियन से चेक कराते रहें कि सर्किट का कंडीशन हमारा गुड है कि नहीं। बात समझ में आ गया? तो मेरा यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, ध्यान देना है बाबू। इस शॉर्ट सर्किट में आग क्यों लगता है, शॉर्ट सर्किट है क्या चीज। जैसे मान लिया जाए कि आपने क्या किया, यहां बल्ब लगा रखा है, यहां टीवी चला रखा है, यहां पंखा चला रखा है, या कुछ और डिवाइस मोबाइल का चार्ज करा रखा है, चार्जर रखा है। अब देखिए ये तार इधर से आ रहा है, इधर ये केबल आपका आ रहा है, और यहां अलग अलग डिवाइस क्या है आप लगाए हो भाई, ठीक। अब यहां से गर्म और यहां से ठंडा, तो इधर से गया रिटर्न आएगा। अब ये जो है आपका रबर का कवर लगा हुआ है, प्लास्टिक का कवर लगा, ये कवर, ये दोनों तार तो सटा हुआ आपस में ना प्लास्टिक से। अरे आप देखे ना डबल तार जो जाता है तो दोनों तार तो छुए रहता ना भाई, प्लास्टिक का कवर रहता है। अब इस केस में क्या हो गया कि कहीं मान लीजिए ये जो प्लास्टिक आपका, देखिए ध्यान से, ये आपका कंडक्टर वायर है, इसके ऊपर से लेमिनेशन किया हुआ, ये आपका कंडक्टिंग कॉपर का वायर, ये लेमिनेशन किया हुआ, ठीक, ये लेमिनेशन है, ये आपका लेमिनेशन है, ये रबर का, ये दोनों सट रहा है तार। अब कोई कारण बस चूहा काट दिया इसको, तो चूहा ही काट देगा तो दोनों का कंडक्टिंग कंटैक्ट बन जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर चूहा अगर पंक्चर कर दिया आपके इंसुलेशन को, अब ये तार कटा तो इन दोनों का कंडक्टिंग कंटैक्ट। अब ध्यान दीजिए, जो एनर्जी इधर से जाके बल्ब जला रहा था, टीवी चला रहा था, एसी चला रहा था, अब क्या हुआ, यहां तार सट गया। तो हम जानते हैं कि करंट वैसा ही रास्ता को ऑप्ट करता है जिधर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। करंट वैसा ही रास्ते को ऑप्ट करता है जिधर रेजिस्टेंस। तो अगर करंट यहां से चल रहा है, इधर तो बहुत सारा लोड पड़ रहा है, तो करंट रिवर्स करेगा, यहीं से इधर नहीं जाए। जब रिवर्स करेगा, इतना एनर्जी इसमें था, इतने सिस्टम को चला रहा था, वो सब जाकर के क्या करेगा, इस तार को पिघलाएगा, इसमें हीट पैदा करेगा, इसमें बर्निंग का केस होगा, और इसका अगर आप फ्रेमिंग, माने कहने का मतलब इसके ऊपर लकड़ी का कवर लगाए हुए ढकने के लिए, कुछ भी, सब जलना शुरू करेगा और आग लग जाएगा। इसी से इस केस में क्या होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, सबसे पहले पानी उस पर कभी मत डालिएगा, बहुत खतरनाक है, करंट हो जाएगा चारों तरफ से आपका, करंट पूरा पानी पूरे रूम में चला जाएगा। पहले आप क्या कीजिए, सर्किट को आप कहीं ना कहीं मेन स्विच को ऑफ कीजिए, किसी न किसी तरह से मेन स्विच को ऑफ कीजिए, बाहर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको सप्लाई को कट कीजिए। अब इसके बाद पानी डालिए, जो भी बुझाने का तरीका है, फॉगिंग कीजिए, फॉगिंग करके आप क्या कीजिए उसको कीजिए, लेकिन पहले उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स को, मेन पावर जो है, मेन स्विच को ऑफ कीजिए हर हालत में, पहला मेन स्विच को। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि रास्ते में कहीं तार का पंक्चर होना, इंसुलेशन का खराब होना, नतीजा वहीं से लौट के चला गया। इस केस में क्या होगा कि इस केस में आपका क्या होगा कि इसमें शॉर्ट सर्किट में करंट इसमें जाएगा। जैसे कभी कभी देखते हैं शॉर्ट सर्किट में आपका ट्रांसफार्मर पर, कभी कभी आपका जिस फेज से आपका आ रहा है ट्रांसफार्मर पर, कभी देखिएगा स्पार्क कर रहा है तार आपका, वहां पर पूरा हीट निकल रहा है सर, फ्लेम निकल रहा है। तो उससे अगर आपका कनेक्टेड बल्ब है तो बल्ब डिम हो जाता है, क्या है, एनर्जी तो मैक्सिमम वहीं बर्बाद हो गया, और तो आगे। और फिर जब बंद होता है फिर आपका तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है आपका, तो क्या भाई, तो स्पार्क कर रहा है ट्रांसफार्मर पर। तो यहाँ कहानी क्या है कि इसमें करेंट इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में करेंट जाता है इसमें, लेकिन नॉमिनल करंट जाता है। क्यों, यानी इसलिए सर्किट तो क्लोज है लेकिन शॉर्ट सर्किट, मैक्सिमम करंट चला गया इधर से। मैक्सिमम करंट यही क्या करता है सर,
डैमेज करता है पूरे इंटायर वायरिंग को डैमेज करके और आपको क्या आग लगा देता है। बात समझ में आ गया? तो शॉर्ट सर्किट में करंट जीरो नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि जो लोड की तरफ जाना चाहिए था एनर्जी, वो वायर को पिघलाने जलाने में खर्च हो गया और वो वायर जो है वायरिंग जो है वो क्या करेगा, रूम में आग लगाने का काम करेगा। बात समझ में आ गया? ये छोटा छोटा टर्म्स था, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, फ्यूज। फ्यूज बताया ना कि फ्यूज क्या है सर, इसलिए रखा गया कि पूरा सर्किट हमारा, पूरा सर्किट नहीं, पूरा डिवाइस हमारा, पूरा अप्लायंसेस हमारा सेफ रहे। कभी कभी देखते होंगे मेन स्विच के बाद ही फ्यूज लगा रहता है, इसके बाद हर रूम में फ्यूज लगा हुआ रहता है एक। तो यहाँ क्या होता है सर, मेन स्विच के बाद जो फ्यूज लगा रहता है, कभी कभी आपके यहाँ सर्किट में गड़बड़ी होती है, कहीं तार कोई सट रहा है, कहीं कुछ फ्यूज उड़ गया। तो लोग क्या करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या करें, सर्किट ठीक करें, फ्यूज ही को मोटा कर देते हैं। तो फ्यूज को मोटा कर देते हैं तो टीवी उड़ गया, फ्यूज सुरक्षित रह गया। तो आपका फ्यूज बचाने के लिए थोड़े लगाए थे, टीवी सुरक्षित करने के लिए फ्यूज लगाए थे। फिर बाहर से वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, बाहर से वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि मेल्ट कर जाएगा फ्यूज। तो आपके बाद का उधर, जैसे आपका मेन सर्किट से निकलेगा करंट, अगर वोल्टेज हाई होगा कि मेल्ट कर जाएगा, इसके मेल्ट करने से क्या होगा कि आपका पूरा सर्किट सेफ रहेगा। अब भाई क्या होगा, वोल्टेज ठीक करो तब फ्यूज बदलो। इसका मतलब कभी कभी लोग कहते हैं मोटा फ्यूज लगा दिया, बड़ा जल्दी जल्दी फ्यूज उड़ा, सर्किट में कहीं ना कहीं खराबी है। तो फ्यूज अगर मोटा कर दीजिएगा, उसमें चार पांच तार लगा दीजिएगा तो ठीक है, फ्यूज तो सही रहेगा, एसी उड़ जाएगा, टीवी उड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना होता है, फ्यूज का काम ही है कि अगर सर्किट में कोई गड़बड़ी हो तुरंत उसका मेल्ट करना, और इंडिकेटर का काम करता है, आप सर्किट चेक करो, सर्किट में देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ी। बस समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि भाई बेसिक चीज जान गए, अब आते हैं सेल के विषय कि भाई थोड़ा सा इसके पहले हम और देख लेते हैं क्या है भाई कि पावर ऑफ सेल और मैक्सिमम पावर कंजम, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय ए सेल, ये बहुत ही पॉपुलर है। अब तब हम लोग आते हैं इंटरनल एसेंस के सेल के, और नहीं तो कहिए कि हम इसको डील कर देते हैं पहले। हाँ, डील ही कर देते हैं कि सेल क्या है, इंटरनल एसेंस क्या है, अब तब पावर आते हैं, ठीक है, वो तो बात का चीज है, बात का चीज है। तो हम आते हैं यहाँ पर, आपको सेल के विषय में बताते हैं, इंटरनल एसेंस सेल के बताते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर इंटरनल एसेंस। आप जानते क्यों भाई, सेल में कुछ नहीं, जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और ये जिंक का या लेड का प्लेट लेते हैं, यही ना टर्मिनल आपका बाहर निकला रहता है, ये प्लस है, मान लो कि माइनस है। तो यहां पर होगा क्या सर, आप लिक्विड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं तो टूट जाएगा सर, डिसोसिएट कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट है SO4 माइनस माइनस, और क्या बाबू का टूटेगा, H प्लस और H प्लस। मान लीजिए SO4 यहां जाएगा तो इस केस में इसको निगेटिव टर्मिनल बनाएगा, क्योंकि अपना निगेटिव चार्ज देगा, और ये प्लस जाएगा इस पर प्लस चार्ज जाएगा। अब मैकेनिज्म बाद में जानिएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में पढ़ना है, सेल क्या है, वोल्टेइक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, सारा चीज पढ़ना है। हम आपको फिजिक्स का सेंस में देखें, तो इसके अंदर जैसे ये प्लेट है, तो ध्यान देना है इसी को प्लेट अलग अलग कर दें, तो इस ये प्लेट हो गया, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। निगेटिव को कैथोड कहते हैं, पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, इसको देखा जाए, इसके अंदर आयंस है SO4 माइनस H प्लस प्लस, SO4 माइनस माइनस H प्लस प्लस। जैसे सर्किट यूज होने लगता है, आयंस क्या करते हैं, मूव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस क्या करता है, मूव करता है। तो सर सेल के विषय में तो बताएं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम सेल का डेफिनेशन दे दिए हैं,
इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम कहने क्या जा रहे हैं सर, इंटरलेसेंस सेल का क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम बता दिए, सेल का इंटरलेसेंस क्या है. तो सेल के अंदर क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन में मूव कौन करते हैं, आयन. कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, वहां आयन नहीं, और सेल के अंदर क्या है, आयन. आयन के विषय में बताया था ना, इट इज अ कैरियर ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज इटसेल्फ बट आयन इज द कैरियर ऑफ चार्ज. अब जैसे देखा जाए ध्यान से, H प्लस है तो इसके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास क्या है, इलेक्ट्रॉन से नियरली 1840 टाइम्स हेवी है. सल्फेट आयन सोचिए, सल्फर 32 है ना, 64 96 मास नंबर इसका क्या हो गया, 96 हो गया. और सोच लीजिए उसमें 1840 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 96 इंटू 1840 टाइम्स हेवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ध्यान दीजिए, ये सल्फेट आयन एक भारी भरकम आयन है और चार्ज कितना, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कैरी करके जा रहा है. तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयन मूव करता है, आयन के मोशन के चलते करंट होता है, इसकी मोबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन से. अब आइए मोबिलिटी के विषय में न जाने, यहां रेजिस्टेंस बताना है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, इंटरलेसेंस सबसे. तो इसका सिंपल डेफिनेशन है, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ आयंस, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ आयन इनसाइड अ सेल, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ आयंस इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड इंटरलेसेंस ऑफ सेल. सेल के अंदर आयन के प्रवाह में जो रुकावटें पैदा होती है, जो हर्डल होता है, दैट इज कॉल्ड क्या है, इंटरलेसेंस ऑफ सेल. समझ में आ गया बाबू को, क्या भाई कि इसका डेफिनेशन क्या है सर, इंटरनल सेल क्या है भाई, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ आयन इनसाइड अ सेल कॉल्ड इंटरलेसेंस ऑफ सेल. इंटरलेसेंस ऑफ सेल आयन के मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को क्या कहता है, इंटरलेसेंस सेल कहता है. अब देखिए क्या कहता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस इंटरलेसेंस डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर इंटरलेसेंस सेल का डिपेंड करता है, यहां ध्यान देना है. और हम इसको थोड़ा सा फिगर को उधर शिफ्ट करते हैं. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन है सर, NaCl है, कॉमन साल्ट. वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है आयन के रूप में, जैसे ही उसको सोल्यूशन फॉर्म में पानी में डालते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है. आप देखते हैं कहीं कहीं अर्थिन खराब होता है किसी का, तो नमक डालता है और तुरंत वोल्टेज बढ़ जाता है. तो नमक क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक, वो आयन्स का काम करता है, वहां कंडक्टिविटी बढ़ा देता है उस जोन का, मिट्टी का. तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम फिगर इसका देख लेते हैं, ये आपका क्या है, इसमें आयन्स हैं और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक. ये मान लीजिए प्लस, ये माइनस, और इसमें क्या है, H प्लस SO4 माइनस वन, ऐसे समझिए. तो आयन मूव करेंगे सर, इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे. अब कह रहा सर फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग इंटरलेसेंस ऑफ सेल, ऑफ सेल. पहला है कंसंट्रेशन ऑफ आयन,
कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पहला कंसेप्ट देखा जाए ध्यान से, इसमें क्या करता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या कहता है उसको समझा जाए। आयन क्या असर कैरियर है चार्ज का, और यहां दो प्रकार के कैरियर है, कंडक्टर में केवल एक प्रकार का कैरियर, केवल इलेक्ट्रॉन होता था और मूव करता था तो एक ही दिशा में मूव करता था सारा इलेक्ट्रॉन। और वहां क्या देखे थे, जितना ज्यादा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन था कंडक्टिविटी उतनी हाई थी, रेजिस्टेंस उतना क्या था कम था। यहां आकर के देखे हम, तो जितना ज्यादा आयन का कंसंट्रेशन होगा इंटरनेशन सेल का उतना ही कम होना चाहिए, क्योंकि करंट कैरियर ज्यादा है। उलट बात है यार, यहां उलट बात क्या है भाई, दो प्रकार के आयन हैं और दोनों दो डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, प्लस वाला इधर जा रहा है तो माइनस वाला इधर, स्वाभाविक है अपोजिट नेचर के हैं, ये तो टच करेंगे, हाँ कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, डिसोसिएट कर गए वो, लेकिन टकराएंगे। वही चीज कहता सर पहला कंसंट्रेशन, कि आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आयन्स के बीच कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गई कि यहां आयन दो प्रकार के हैं और दोनों का मोमेंट अपोजिट डिरेक्शन में, दोनों पर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो मोशन के दौरान एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, अब कोलिजन में क्या करेंगे एनर्जी वेस्ट करेंगे, और वही एनर्जी वेस्ट जो है हीट के रूप में सेल को क्या करता है गर्म करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन में कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स कोलिजन बिटवीन आयन्स इंक्रीजेस, कोलिजन बिटवीन बिटवीन आयन्स इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस, इंटरनल सेंस विच इंक्रीजेस द इंटरनल सेंस ऑफ सेल एंड वाइस वर्सा। यानी कंसंट्रेशन कम होगा कोलिजन कम होगा क्या होगा सर, रेजिस्टेंस कम होगा। तो पहला पॉइंट देख लिया कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब आइए अब मिलेगा सब कुछ, वहां तार का जितना ज्यादा लेंथ था इलेक्ट्रॉन का पाथ लेंथ उतना लंबा होता था और एटम के साथ उतना ही अधिक कोलिजन होता था, रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। वही चीज है बाबू को, यहां दो प्रकार के आयन एक दूसरे से अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा पाथ लेंथ जितना लंबा होगा रास्ते में कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, जब कोलिजन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा होगा। यही कारण है ना कि लोग पहले हम लोग बैटरी खरीदने जाते थे, हाँ भाई 12 वोल्ट का बैटरी है ठीक, तो 12 वोल्ट का बैटरी एक कहता था कि 16,000 में देंगे, एक कहता 4,000 में देंगे, कहा भाई क्या बात है, तो 4,000 वाला में नंबर ऑफ प्लेट कम है, मान लीजिए साइज दोनों का देखने में बराबर ही लग रहा था, तो इसमें क्या असर प्लेट का संख्या, लेड का जो प्लेट डाला हुआ है या जिंक का प्लेट डाला हुआ है बीच बीच में वो कम डाला हुआ है, तो इसका पाथ लॉस बैटरी ज्यादा गर्म होगा आउटपुट कम देगा, अरे जिसमें नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा डाला रहता है तो नंबर ऑफ प्लेट जितना ज्यादा डाला रहेगा
आयन का पाथ लेंथ उतना कम होगा, और जितना पाथ लेंथ कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा, इफिशेंसी उसकी हाई होगी। तो पहले बोलते थे कि भाई कितना 32 प्लेट का है कि 36 प्लेट का, लेकिन अब तो ये सब नहीं। अब लोग क्या कहता है कि आपका बैटरी जब लेने जाते हैं तो आपका कमर्शियल यूनिट क्या बताए थे हम बैटरी का, आप घर में जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें क्या देखते हैं, एम्पियर क्या है, मिली एम्पियर। अरे बैटरी का पावर आपको किसमें यूज करता है, कमर्शियल यूनिट क्या बताए थे, MAH एम्पियर आवर। मेरे दिमाग से भी कभी कभी उड़ जाता है, एम्पियर आवर। तो इसमें मिली लग गया, मिली 10^-3 एम्पियर आवर, भाई कितना है तो 500 एम्पियर आवर, 4500 एम्पियर आवर, 3500 एम्पियर आवर, 4000 एम्पियर आवर। और हम लोग जब घर में बैटरी लेते हैं तो क्या भाई, मिली एम्पियर आवर हम लोग अभी दे देते हैं, किसमें, मोबाइल में मिली एम्पियर, 4000 mAh, 4500 mAh, 5200 mAh, मिली एम्पियर आवर। वो बताता है जैसे आपका 4500 मिली एम्पियर आवर का बैटरी का मतलब क्या हुआ, 4500 मिली एम्पियर आवर का मतलब हो गया कि 1 मिली एम्पियर का करंट उससे विथड्रॉ कीजिएगा तो 4500 घंटा चलेगा, 1 मिली बहुत ही छोटा ना करंट हो गया। आइए हम लोग इधर आते हैं, अपने बैटरी जो घर में यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं, 180 एम्पियर आवर, नॉट मिली है, मिलने लगता है, 150 एम्पियर आवर, 200 एम्पियर आवर, 180 एम्पियर, इसके आधार पर आपका पैसा लगता है। तो 200 एम्पियर आवर का बैटरी लीजिएगा, इसका मतलब है कि अगर 1 एम्पियर का करंट यूज करते हैं तो 200 घंटा चलेगा। नॉर्मली हम लोग 5 एम्पियर का अगर यूज करते हैं तो कितना चलेगा, 40 घंटा। तो यही चीज इसमें दिया था, एम्पियर आवर। तो यहां कह रहा है सर कि अब हम लोग प्लेट नहीं गिनते बल्कि पूछते हैं कितना एम्पियर आवर का है बैटरी का, बस समझ में आ गया। लेकिन पहले प्लेट ही गिन के लिए, जितना ज्यादा प्लेट होगा किसी बैटरी में, दोनों का आकार देखने में समान है, एक का पैसा ज्यादा है दूसरे का पैसा कम है, पैसा ज्यादा होने का मतलब प्लेट का संख्या ज्यादा है, इफिशियंसी उसकी ज्यादा है, पैसा कम होने का मतलब प्लेट का क्या होगा, संख्या कम है, हीट ज्यादा होगा, और क्या होगा सर, ठीक। हाँ, अब देखिए ध्यान से इसमें, तो इसमें कह रहा है सर क्या चीज, आपका क्या कह रहा है सर, तो दूसरा जो है ना कि प्लेट का सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जितना प्लेट का सेपरेशन ज्यादा होगा, प्लेट का सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना पाथ लेंथ लंबा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा। तो दूसरा केस हमारा फैक्टर क्या आता है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कह रहा सर ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पाथ लेंथ ऑफ आयन्स इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस द कोलिजन बिटवीन आयन्स एज ए रिजल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेस। यानी जितना प्लेट का सेपरेशन ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, पाथ लेंथ आयन का ज्यादा होगा, जितना लंबा रास्ता पाथ आयन दूर कर तय करके आएगा कोलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग देखते हैं दो फैक्टर है, एक है एरिया ऑफ प्लेट और एक है
टेम्परेचर, इसको नेक्स्ट डे डील करेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि थोड़ा रहे कंटिन्यूटी कि हाँ भाई आधार पड़े उत्सुकता है भाई, और दो चार फैक्टर आप जो अगर खोज सकें तो खोजिए। हम लोग दो और हैं, एक है एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा है टेम्परेचर, इसके बाद पावर डिलीवर्ड बाय सेल, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय सेल, इसके बाद सीरीज पैरेलल। ठीक है, थैंक यू।